नमस्कार, मैं अभिषेक माथुर और आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी दिल्ली में। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों को लेकर अपनी अपनी कमर भी कस ली है। इन चुनावों में हर किसी पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि वो इन आम चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करे। फिलहाल राजधानी दिल्ली की सियासत आम आदमी पार्टी के आने के बाद बेहद अलग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ रही है और आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में अपना सियासी वजूद फिर से साबित करने का मौका है, लेकिन बीजेपी के पास मोदी फैक्टर है और सातों सीटों पर फिर से अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती भी। तो वहीं कांग्रेस के पास भी शीला फैक्टर है, जिसके जरिए कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश करेगी। बहरहाल इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर कितना भारी है, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी मजबूत पक्ष, मोदी की लोकप्रियता। पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सातों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। एयर स्ट्राइक, पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक का लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा। मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाकर चुनाव प्रचार को सफल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। चुनाव प्रचार में बढ़त, भाजपा अन्य पार्टियों से चुनाव प्रचार में आगे है। दिल्ली में पार्टी ने अब तक 5 रैलियां करने के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। नया वोट बैंक, प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद भाजपा ने आप और कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक समझे जाने वाले पूर्वांचल के लोगों में अपनी पैंठ बनाने में सफल रही है। कमजोर पक्ष, उम्मीदवारों को लेकर असमंजस। नगर निगम चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने सभी मौजूदा पार्षदों का टिकट काटने का फैसला किया था, उससे सांसद भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर आश्वस्त नहीं है। इस वजह से सभी सीटों पर कई नेता दावेदारी भी कर चुके हैं, जिससे चुनाव में पहले गुटबाजी बढ़ने का खतरा है। सांसदों के प्रति नाराजगी, कई सांसदों के खिलाफ कार्यकर्ताओं और लोगों में नाराजगी है। कुछ सांसदों की जनता से दूरी भी बड़ी समस्या है, जिसको लेकर पार्टी नेतृत्व भी चिंतित है। नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली, नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा करता रहा है। चरमराई सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा को कठघर में खड़ा करने की कोशिश होती रही है। वोट बैंक में सिंध, वैश्य समुदाय भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है, जिसमें आम आदमी पार्टी सिंध लगा रही है, लेकिन भाजपा ने इस वर्ग के दो नेताओं को मंत्री बनाने के साथ ही एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है। बावजूद इसके सीलिंग की वजह से कुछ व्यापारियों में नाराजगी जरूर है। अकालियों की लड़ाई, 1984 के सिख विरोधी दंगे के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य को सजा मिलने से पार्टी सिखों का समर्थन मिलने की उम्मीद जता रही है, लेकिन सहयोगी पार्टी अकाली दल के नेताओं की आपसी लड़ाई ने उसकी चिंता जरूर बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी मजबूत पक्ष, दिल्ली में भारी बहुमत की सरकार। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। बहुत बड़ा वर्ग पार्टी के साथ है, जिसके सहारे वह लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की उम्मीद लगा रही है। बिजली माफ और पानी माफ योजना, आपने सत्ता में आने के बाद बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ करने का वादा किया था। सत्ता में आते ही आप सरकार ने कम बिजली और पानी खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को राहत जरूर दी है। गरीबों में मजबूत पकड़, झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में आपकी मजबूत पकड़ है। विधानसभा में इनके बदौलत ही पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। अब भी अन्य पार्टियों की तुलना में यानी कि बनिस्बत इसके बीच आपकी पकड़ बेहतर बताई जा रही है। प्रत्याशियों की घोषणा, भाजपा और कांग्रेस में जहां प्रत्याशियों के नाम पर असमंजस बरकरार है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। सिर्फ पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं की टीम, पार्टी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम तैयार कर ली है, जिनके बदौलत बूथ स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान चलाने में मदद मिल रही है। कमजोर पक्ष, वादा खिलाफी का आरोप। विपक्ष आम आदमी पार्टी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, मुफ्त वाईफाई, नए कॉलेज सहित अन्य चुनावी वादों को लेकर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की
कोशिश हो रही है। विधायकों और नेताओं पर आरोप, आपके कई बड़े नेताओं और विधायकों के खिलाफ फर्जी डिग्री, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कई नेताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल जरूर हुई है। कई नेताओं का छोटा साथ, पार्टी के संस्थापक सदस्य और थिंक टैंक रहे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इस स्थिति से पार्टी को पार पाना होगा। वोट बैंक खिसकने का डर, भाजपा को गठबंधन से आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी गलत संदेश जा रहा है। वहीं कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से आपके वोट बैंक में सेंध लगने का भी खतरा है। हाल के चुनावों में कमजोर प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद नगर निगम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। बवाना विधानसभा उपचुनाव में तो उसे जीत मिली, लेकिन राजौरी गार्डन उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी मजबूत पक्ष। शीला दीक्षित की वापसी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में वापसी से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पुराने कांग्रेस नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास का लाभ। कांग्रेस शीला दीक्षित के 15 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली में हुए विकास को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वह यह बताने की कोशिश में लगी हुई है कि केंद्र की भाजपा और दिल्ली की आप सरकार के बीच लड़ाई का नुकसान दिल्ली वासियों को हो रहा है। मत फीसद में हो रही बढ़ोतरी। विधानसभा चुनाव में शून्य पर चले जाने के बाद पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। नगर निगम और विधानसभा उपचुनावों में पार्टी के मतों में बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी के हमलावर तेवर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आक्रामक तेवर नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहा है। वह मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे समर्थकों में नई उम्मीद जगी है। बूथ स्तर पर काम। दिल्ली में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करने के लिए पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है और कुछ दिनों पहले बूथ कार्यकर्ताओं की रैली को राहुल गांधी संबोधित कर चुके हैं। कमजोर पक्ष। पार्टी में गुटबाजी। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद पार्टी में गुटबाजी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। शीला दीक्षित और अजय माकन गुट अब भी एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ रही है। कमजोर संगठन। पार्टी बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करने के लिए काम तो कर रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में पार्टी को संगठनात्मक काम पर विशेष ध्यान देना होगा। परंपरागत वोट बैंक का खिसकना। मुस्लिम, अनुसूचित जाति, झुग्गी बस्ती, पूर्वांचली और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले कांग्रेस के परंपरागत समर्थक माने जाते थे, जो अब आपके खेमे में चले गए हैं। इन्हें फिर से वापस अपने साथ जोड़ना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। गठबंधन पर असमंजस से नुकसान। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। इस वजह से चुनाव प्रचार भी बाधित हो रहा है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर कमजोर। भाजपा और आम आदमी पार्टी की तुलना में कांग्रेस का सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान कमजोर है। युवा वर्ग सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय है, जिन्हें साधने के लिए पार्टी को अपनी इस कमजोरी को दूर करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, और चुनावों से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली से जुड़े पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहें।